स्वाइन फ्लू जो है वो एक इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर फ्लू वायरस है। H1N1 जो है बहुत काफ़ी फेमस है इसी के लिए। इसके वजह से भी इंडिया में बहुत सारे डेथ्स हुए हैं। इसके बीच बीच में आउटब्रेक हो जाते हैं, मतलब सडनली बहुत सारे केसेस बढ़ जाते हैं बड़े बड़े सिटीज़ में स्पेशली। इससे ये प्रेजेंट तो सिंपल फ्लू जैसे करता है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, नाक बहना, नाक बंद होना या फिर गले में दर्द होना, खांसना, छींकना, और फिर ये बढ़ के सांस लेने में दिक्कत होना, और फिर फेफड़ों का ये अच्छा खासा डैमेज कर सकता है। हर एक पेशेंट में नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों में तो ये ढंग से ठीक हो जाता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स में ये काफ़ी ख़राब हो जाता है। पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि उनके फेफड़े अच्छे खासे डैमेज हो जाते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, खांसी में से बलगम में से खून निकलने लगता है। ये जब लंग डैमेज होता है तो पेशेंट्स को दूसरे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं उसी वक्त, या फिर जो दूसरे हार्ट है, हमारा गुर्दा है, किडनी है, लीवर है, इससे भी डैमेज हो जाता है इस वायरस के, फेफड़ों के किए हुए डैमेज से। तो इसको डेफिनेटली ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास मेडिसिन हैं। इसके लिए हम ऑसिटामिन जो कि एंटी वायरल मेडिसिन है वो हम दे सकते हैं। ये दिन में हम 5 से 10 दिन तक के लिए इसका प्रिस्क्रिप्शन हम बहुत आसानी से दे सकते हैं, इसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जैसे ही ये सिम्टम्स हो, सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम आना, खांसी, इसके लिए आपको आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि आपको फिजिकली एग्जामिनेशन हो और आपकी कंडीशन इवेल्युएट किया जा सके। थैंक यू।